गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. टुडे आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू योर फर्स्ट लेसन द सी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग ऑफ दिस लेसन. हंग्री द सी. वर्ड्स मीनिंग hungry bhookha grey bhura beach samudra ka kinara Clashing झंझनाहट सेबी भद्दा Rumbling, tumbling, rumbling, tumbling, झुनझुनाहट कराहना मौन मीन्स कराहना मिस माने चाटना चाटना ग्रेसी आर ई एस आई तेल जैसा रोज गरजना स्नैप गम क्लिप चट्टान हॉलो अनूठा आवाज ड्यून बालू का टीला स्कार्फली मुश्किल से हाँ. तो ये वर्ड्स मीनिंग है बच्चों.
द सी इज ए हंग्री लायन जेंट एंड ग्रे द सी इज ए हंग्री लायन जेंट एंड ग्रे समुद्र एक भूखा कुत्ते की भांति है जेंट एंड ग्रे जो विशाल काय और भूरा जैसा लगती है ही रोल्स ऑन द बीच ऑल डे वह समुद्र के किनारे दिन भर इधर से उधर लुढ़कती है विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड सैगी जॉज अपने झनझनाहट पूर्ण आवाज और फद्दा पंजे के साथ जबड़ा भद्दा जबड़े के साथ आवर सपोन ही ग्नोज और घंटों व कुतुर कुतुर करता है द रमलिंग टमलिंग स्टोन पत्थरों के झुनझुनाहट की आवाज के साथ द जेंट सी डॉग मोन विशाल काय समुद्र कुत्ता जैसा कराहता है लिकिंग हिज ग्रेजी पाज अपना तेलमय पंजा को चाटते हुए एंड वेन द नाइट वाइंड रोर्स और जब रात्रि की हवा गरजती है एंड द मून रॉक्स इन द एस्ट्रोमिक क्लाउड और जब आंधी में बादल में चंद्रमा के चट्टान दिखते हैं ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड अ स्नफ एंड अ स्निफ वह पैरों पर आ जाते हैं और उसे सूंघते हैं सेकिंग हिज वेट साइड ओवर द क्लिप्स अपने वजन को चट्टानों पर इधर से उधर हिलाते हैं एंड हाउल्स एंड हॉलो लॉन्ग एंड लाउड और देर तक मधुर आवाज निकालते हैं बट ऑन क्वाइट डेज इन मे और जून लेकिन यही इनकी स्थिति मई और जून महीने में बिल्कुल शांत जैसा रहता है वेन इवन द ग्रासेज ऑन द ड्यून जब बालू के टीले पर घास होते हैं प्ले ऑन मोर देयर रीडी ट्यून और वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक खेलते हैं विथ हिज हेड बिटवीन हिज पाज वहाँ पर उनका सिर उनके पंजों के बीच होता है ही लाइज ऑन सैंडी शोर्स वह बालू में बालू के किनारे पड़े होते हैं सो क्वाइट ही स्कार्सली स्नूज बिल्कुल शांत वह मुश्किल से खर्राटा भरता है फिर भी हम इस पोएम का समरी लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा बनाने में और समझने में सहायता मिल सकता है इन दिस पोएम द पोएट describe the three stages of the sea. In the first stanza, the sea is compared by a metaphor to a hungry dog
ए हंग्री डॉग। दिस शोज दैट In cold winter days, the sea is very rough. By the repetition of bones, He is hungry. In the second stanza, the poet describes the sea. The sea as a playful dog. But in the third stanza, he describes it. He describes it a very calm dog. It's as a very calm dog. This happens mostly
समर, यह अधिकांशतः समर में होता है। इट लेट्स पीपुल इंजॉय एंड हैव फन। The rhyme is not regular of The rhyme is not regular of the sea। तो इस तरह से इस लेसन का समरी भी है और कुछ थोड़ा बहुत आपको समझाए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक आप लोग कर करके और रखेंगे। इस तरह से आपका पहला जो पोयम एक सटीक और शॉर्ट था उसको हमने समाप्त किया है। क्वेश्चन आंसर वगैरह सब आप लोग व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देंगे। थैंक यू।